हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के साथ में। केरल से भी वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, केरल से वैकेंसी होने वाली है। वैकेंसी कम है लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अच्छा पेमेंट आपको मिल रहा है। तो करते बिना किसी देरी के शुरुआत वैकेंसी के बारे में। इसके पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया था, तब बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन और वैकेंसी की अपडेट डालें वो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और अब तो बने रहेंगे हम इसी तरह नर्सिंग वैकेंसी की खबरों के साथ में और नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के साथ में। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत बिना किसी देरी के, बात करेंगे इसकी लास्ट डेट। इसमें सबसे ऊपर दी गई है 3/2/2021 से केरल से वैकेंसी होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेजेट डेट और कैटेगरी नंबर इसका आप पढ़ सकते हो 486/2020, ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। कमेंट करके आप जो भी सवाल जवाब मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ज़रूर दूंगा। इसके अलावा बात करते हैं हम नर्सिंग वैकेंसी के अपडेट के बारे में। तो इसका डिपार्टमेंट दिया गया है, इसमें डिपार्टमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। हाँ जी, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से वैकेंसी होने वाली है। लेकिन आप ये मत सोचना कि होम्योपैथी की नर्सिंग वैकेंसी है। जी नहीं, इसमें GNM BSc नर्सिंग, प्योरली GNM BSc नर्सिंग वाला जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्केल पैकेज की बात करें हम दोस्तों, तो 20,000 से 45,800 तक आपको इस ग्रेड पे जो है मिलने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है इसमें। एंड बात करते हैं इसमें नीचे चलते हैं अपन, मैं इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल तक के इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डेट दी गई है 2 जनवरी 1984 से और 1 जनवरी 2002 के बीच तक के लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी डेट इसके अकॉर्डिंग मिला लें। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे इसमें, तो क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों मांगी गई है ये जो नीचे इसमें दी गई है, 5 in SSLC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 10-12 एंड 5 सर्टिफिकेट एप्टेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट GNM एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला इक्विवेलेंट। मतलब आपको GNM नर्सिंग और BSc नर्सिंग दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको आफ्टर सिलेक्शन इसमें केरला नर्सिंग मिडवाइफरी है, सॉरी एक सेकेंड, केरला इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी केरला से आपको इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आफ्टर सिलेक्शन। इसके अलावा इसमें आपके पास फार्मेसी का 3 महीने का जो है एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब 3 महीने का आप सोचोगे कि भाई 3 महीने का कैसे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो आप किसी ने अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 महीने तक होता ना फार्मेसी डिपार्टमेंट इसमें काम किया हुआ है, तो वो जो है इसमें अप्लाई कर सकता है बहुत ही ईजीली। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नीचे और मैं आपको ज़रूरी इसमें चीज़ें बता देता हूँ। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट पे जाके। अप्लाई नाउ यूज़र आईडी, आपको पासवर्ड अपना बनाना है। इसके अलावा आपको अपना फोटोग्राफ जो है अपलोड कर देना है, वो सब आपको इस साइट पर जाओगे आप अपना एप्लीकेशन पर एडमिशन करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, नेम एड्रेस पोस्ट, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं आपको इसमें बताऊँ पढ़ के ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप प्रिंट आउट सेल्फ कॉपी, आप एक प्रिंट आउट निकलवा ले कॉपी एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास ही नहीं, इसमें मेथड बताया गया है पूरा किस तरह से आपको करना है अप्लाई। एंड चलते हैं नीचे, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 3/2/3 है। काफ़ी टाइम है आपके पास, भर सकते हो आप आराम से वेडनेसडे तक 12 बजे तक आप। एंड इसकी वेबसाइट ये रही www.kerala.psc.gov.in। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन से। काफ़ी अच्छी मतलब वैकेंसी लग रही है, आप जरूर अप्लाई कर रहा था। इसी नर्सिंग थी इसी तरह नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट के साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और आगे भी बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।